समझिए 70 दिन बाकी, 1 अप्रैल के महीने, अप्रैल के महीने की पहली तारीख से पूरे देश में गिनती शुरू होगी लोगों की जनसंख्या। ये सेंसस नहीं है, इसे एनपीआर बोला जाता है, शब्दों को छोड़ दीजिए, इससे क्या मतलब। तो आपके घर में कोई स्कूल टीचर आएगा या स्कूल की कोई मास्टरानी आएंगी आपके घर में और कहेंगी, भाई साहब आपके घर में कितने लोग हैं, बस मुझे उसकी लिस्ट बनानी है, मुझे कोई कागज नहीं चाहिए आपसे, बस लिस्ट बनाना है। ये पहली उंगली है, छोटी सी उंगली, इतनी छोटी सी उंगली है कि देखने में लगता है क्या फर्क पड़ेगा इससे, तो क्या है, बस वो आपसे पूछेंगे घर में कितने लोग रहते हैं, क्या उम्र है उनकी, कहां पैदाइश हुई थी, और आखिर में पूछेंगे आपके पिता और माता दोनों कहां पैदा हुए थे, उनकी जगह बता दीजिए, उनका साल बता दीजिए, और पूछ के चले जाएंगे। ये पहली उंगली है, हमें लगेगा कोई दिक्कत नहीं है, छोटी सी बात है, क्या फर्क पड़ता है, तो कर दो, और दस्तावेज तो कोई मांगे नहीं इन्होंने, कागज नहीं मांगे। उसके बाद आएगी दूसरी उंगली, ये दूसरी उंगली जो है वो ये है कि आपके घर में कुछ लोगों के घर में कुछ लोगों के नाम के आगे सरकार के दफ्तर में डी लगा दिया जाएगा। जो लिस्ट बना के लेके गए, समझिए आपके मोहल्ले से 500 लोगों की लिस्ट बना के ले गए, उन 500 में से 20, 25, 50, 100 कुछ लोगों के नाम के आगे डी लगा देंगे। जरूरी नहीं कि एक घर के सब लोगों के सामने डी लगे, हो सकता है बाप के नाम के आगे ना लगे लेकिन मां के नाम के आगे डी लग जाए। किस बिना पे लगेगा सरकार नहीं बताती, लेकिन हम अंदाजा लगा सकते हैं। ये बिहार है आपका, इतना बड़ा सीमांचल है, यहां पे पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, फिर आपका अररिया और किशनगंज, इतना है ना, ये सारा सीमांचल है जहां बॉर्डर के इस पार उस पार शादियां होती हैं, वहां पैदा हुए, पढ़ाई यहां की, यहां पे बस गए, पिताजी इस बॉर्डर के इस पार तो मां बॉर्डर के उस पार से है। तो जब पूछेंगे कि मां कहां पैदा हुई तो वो बता देंगे नेपाल में पैदा हुई। तो फिर पूछेंगे, तो फिर उनको या किसी और को चिट्ठी आएगी। तो दूसरा है डी, उनके नाम के आगे डी लग जाएगा। डी का मतलब डाउटफुल, डाउटफुल का मतलब हिंदी में होता है जिसपे शक है। क्या शक है? कि तुम हिंदुस्तानी नहीं हो। कौन फैसला करेगा? सरकारी दफ्तर में बैठा हुआ कोई डीएम के ऑफिस में, डीसी के ऑफिस में कोई इसका फैसला कर लेगा, आपको पता भी नहीं लगेगा, आपसे पूछा भी नहीं जाएगा, इसका चुपचाप से फैसला हो जाएगा। फिर तीसरी उंगली, बड़ी उंगली आएगी, वो क्या है? आपके घर चिट्ठी आएगी। चिट्ठी में कहा जाएगा आपके नाम के आगे डी लगा है, अब आप अपनी नागरिकता के सबूत कलेक्टर के ऑफिस में देने आइए। सबसे नहीं कहा जाएगा, मोहल्ले में 500 लोग हैं तो हो सकता है 25 के नाम के आगे लगे, 40 के नाम के, 50, 10, हमें पता नहीं, पर डी लग जाएगा और उनके घर चिट्ठी आएगी कि अब आप अपने सबूत दीजिए। तो अम्मा सोचेगी इसमें क्या बात है, मेरे पास तो आधार कार्ड है, मैंने तो पिछले इलेक्शन में वोट भी दिया था, उंगली में निशान है, मुझे क्या चिंता की जरूरत है। अम्मी जाएगी वहां पे कलेक्टर के ऑफिस में, यही बात आसाम में हुई थी जब एनआरसी हुआ, लोग आधार कार्ड लेके गए, उन्होंने फेंक दिया आधार कार्ड का। आधार कार्ड से सिर्फ ये प्रूव होता है कि आपकी शक्ल और आपका नाम क्या है, बस इससे फालतू कुछ पता नहीं लगता। राशन कार्ड कोई महत्व तो नहीं, अपनी जेब में रख लो राशन कार्ड। वोटर लिस्ट कहते हैं उसी को तो चेक करना है, इसमें क्या फायदा, ये वापस दे लो वोटर लिस्ट। आसाम में ये तीनों चीजों को खारिज कर दिया सरकार ने, कहा कि एनआरसी में आपको अपने बर्थ का, अपनी पैदाइशी का प्रमाण पत्र लाना पड़ेगा, शादी का प्रमाण पत्र लाना पड़ेगा, प्रॉपर्टी का प्रमाण पत्र लाना पड़ेगा,
अब हो सकता है 40 में से 20 के पास हो, मगर सबके पास तो नहीं होगा। सही कह रही आप भाई। मैं काफी पढ़े लिखे परिवार से आता हूं, मेरी माँ टीचर है, मेरे पिताजी प्रोफेसर। मुझे नहीं पता कि मेरी माँ कहां पैदा हुई। कहने को लोग कहेंगे प्रोफेसर है, पढ़े लिखे आदमी है। मेरी माँ या तो इलाहाबाद में पैदा हुई थी या गुड़गांव में पैदा हुई थी। 1000 किलोमीटर का फासला है दोनों के बीच में, पता नहीं कहां। और कोई मेरे से कहे कि अब आप इसका सर्टिफिकेट लेके आओ, मेरे माँ बाप की शादी का सर्टिफिकेट कहां से मैं लाऊंगा? उस जमाने में कौन बनाता था सर्टिफिकेट? सच बात यह है कि आप मेरी शादी का सर्टिफिकेट मेरे से मांग लो, मेरे पास नहीं है। सर बिल्कुल, ये जो बड़ी बड़ी कुर्सी पे बैठे इनसे भी मांगा जाना चाहिए, तुम दो ना पहले। सही कह रही है। तो तीसरा ये होगा, तीसरी उंगली, बड़ी उंगली, आपसे कहा जाएगा दस्तावेज लाओ, कागज दिखाओ। 500 से नहीं, 500 में 20 25 50 से कहा जाएगा। और फिर कलेक्टर फैसला करेगा आपका कागज सही है या आपका कागज नहीं है। मान लीजिए कलेक्टर बहुत ईमानदार है, ईमानदारी से फैसला कर रहा है, लेकिन फैसला तो किताब के हिसाब से करेगा। और अगर ईमानदार नहीं है तो क्या क्या खेल होंगे आप समझ लो। यहां हिंदुस्तान में दस्तावेजों के क्या क्या खेल होते हैं। नीचे से मुंशी को पैसा दिया जाता है, बैठे बैठे सब खेल। उसके बाद चौथी उंगली आएगी। चौथी उंगली क्या है? फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल, विदेशियों के लिए कोर्ट। यानी कि सरकार कहेगी कि भाई हमें 40 लोगों से हमने दस्तावेज मांगे थे, 20 के तो सही थे, 20 के सही नहीं। इन 20 लोगों को आखिरी मौका दिया जाता है कि तुम साबित करो कि तुम विदेशी हो या भारतीय हो, और ये अदालत है जिसके अंदर जाके तुम्हें साबित करना होगा। असम में जब वो अदालत बनी तो वो अदालत बिल्कुल मजाक थी न्याय के साथ। सड़क पे चलते वकील, दो दो साल की अनुभव वाले वकीलों को वहां पे कोर्ट में जज बना के बैठा दिया फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल में। और जो कुछ असम में फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल में हुआ है, अगर आप पढ़ें तो आंखें खुली रह जाएंगी। ये न्याय हो रहा है इस देश का? तो फिर समझ लीजिए, चलिए मान लीजिए उस 20 में से 10 को वहां छुट्टी मिल गई कि चलो तुम ठीक ही हो, बच गए 10। उन 10 के साथ क्या होगा? आखिरी होगी ये मोटा अंगूठा, दबाने वाला अंगूठा, डिटेंशन सेंटर, जेल। ये सरकार का नियम। अगर फॉरेनर ट्रिब्यूनल ने कह दिया कि आप विदेशी हैं, उसके बाद कोई रास्ता नहीं है, उसके बाद डिटेंशन सेंटर में भेजा जाएगा। असम में डिटेंशन सेंटर काम कर रहा है, कर्नाटका में पिछले महीने शुरू हो गया है, और देश के 10 राज्यों में डिटेंशन सेंटर बनने की तैयारी हो चुकी है। सरकार संसद में लिख के बता चुकी है डिटेंशन सेंटर कैसे बनेंगे, मर्द और औरत को अलग अलग कैसे रखा जाएगा, बच्चों को कहां रखा जाएगा। और ये सब होने के बाद हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं इस देश में तो कोई डिटेंशन सेंटर है ही नहीं। मैं कहता हूं मोदी जी झूठ बोलते हो कोई बात नहीं, थोड़ा ठीक रेट तो लगाया करो झूठ बोलने का। तो ये जो 5 उंगली वाली एनआरसी है, इसका मुकाबला कैसे किया जाएगा? एक ही तरीका है, ये जब छोटी उंगली हिलने लगे तभी सारी उंगलियां दबा दो, मुट्ठी बंद कर लो और मुट्ठी ऊपर उठाओ और कहो एनआरसी नामंजूर। क्योंकि अगर एक बार ये शुरू हो गया, कागज पे इंफॉर्मेशन दे दी, उसके बाद मामला आपके बस में नहीं है, उसके बाद खेल सरकारी दफ्तर में होगा, आपके घर पे कुछ नहीं होगा उसके बाद। एनपीआर का बायकॉट करना होगा। मतलब क्या बायकॉट कैसे होगा? बायकॉट का मतलब ये होगा कि आपके घर जब एनपीआर की सूचना लेने के लिए स्कूल का कोई अध्यापक आए, कोई अध्यापिका आए, लोग कहते हैं उसे भगा दो। मैं कहता हूं ना भाई, क्यों भगाओ, मास्टर है, हमारे पैसे, हमारे टैक्स के पैसे से तनखा लेने वाला आदमी है, वैसे भी इज्जतदार आदमी है, भगाने की कोई जरूरत नहीं। बुलाइए, घर में मोहल्ले में बैठाइए,
पानी पिलाइए। वो कहेंगे शुक्रिया पानी पी लिया, अब अम्मा बताइए घर में कितने लोग हैं। कहिए नहीं, चाय आप जरूर, चाय पिलाइए उनको। चाय जब पी ले तो कहेंगे अच्छा अब तो हो गई चाय भी, अब तो बताओ घर में कितने लोग हैं। तब उन्हें नमकीन खिलाइए, नमक खिलाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये संविधान के काम करने वाले लोग हैं, किसी पार्टी के मुलाजिम नहीं है, ये देश के मुलाजिम है, संविधान के तहत काम करते हैं। नमक खिलाइए, याद दिलाइए कि ये संविधान है इस देश में कोई चीज। और उसके बाद जब वो कहे अच्छा अम्मा अब तो नमकीन भी हो गया, अब तो बता दे, तब आप भी हाथ जोड़ कीजिए और कहिए मास्टर जी काम पूरा हो गया, कागज नहीं लिखाएंगे। ये जो मुहावरा अब तक चल रहा था ना, कागज नहीं दिखाएंगे, मैं थोड़ा सा बदल रहा हूं उसे, क्योंकि दिखाने की नौबत तो तीसरी उंगली पे आएगी, तब तक तो मामला हाथ से बाहर निकल चुका होगा। लिखाएंगे, पहली बार जब लिखने आए, कागज नहीं लिखाएंगे, यहां से शुरुआत होगी। वैसे तो वो मान जाएंगे, ना माने और कहें कि नहीं ये तो इस देश का कानून है, संसद ने पास किया है, तुम कैसे नहीं मानोगे, करना पड़ेगा। उन्हें बताइए मास्टर जी आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, आपकी बहुत इज्जत करती हूं मैं। और गांधी जी बता के चले गए कि कोई अगर गलत कानून हो, अगर गैर इंसाफ वाला कानून हो, उस कानून को ना मारना हमारा हक भी है, हमारा फर्ज भी है, तो हम तो अपना फर्ज निभा रहे हैं। मास्टर जी की इज्जत करनी चाहिए, पर क्या करें, गांधी जी की इज्जत थोड़ा ज्यादा करनी चाहिए। उन्हें बोल के गए, गलत रास्ते में डाल दिया गांधी जी ने, क्या करें। ये है CA और NRC। माफ कीजिएगा मैंने थोड़ा वक्त लेके समझाया, क्योंकि सारी बात हरेक को पता नहीं होती। और मेरे मन में ये भी लालच है कि आप जब घर वापस जाएंगी, पांच पांच लोग आपसे पूछेंगे बेटी क्या सीख के आई, वहां गई थी क्या देख के आई, अम्मा से पूछेंगे कि क्या हुआ। और मेरे जो तमाम साथी यहां से सुन रहे हैं, इनसे भी हर एक के पीछे 10 लोग तो इनसे पूछेंगे कि क्या मामला, अच्छा क्यों आप पीछे पड़े हुए, CA में बुराई क्या है भाई, क्यों नहीं कर देते। अब हम उसको जवाब देंगे कि क्या गलती है और क्या करना चाहते। आज ये जो मैंने कहा ना यार, पहली उंगली होते ही बस मुट्ठी बंद और हाथ ऊपर, आज पूरा देश ये काम कर रहा है। अब ये आंदोलन किसी एक क्षेत्र का आंदोलन नहीं बचा, सिर्फ आसाम का आंदोलन नहीं है, अब ये आंदोलन किसी एक मजहब का, किसी एक धर्म का आंदोलन नहीं है, अब ये आंदोलन युवा शक्ति का आंदोलन है, महिलाओं का आंदोलन है, पूरे देश का आंदोलन अभी बन रहा है। आने वाले कुछ दिनों में इस आंदोलन को आगे चलाए रखना हम सबकी जिम्मेवारी। कैसे चलेगा यह आंदोलन, मेरे मन में छोटा सा सूत्र है, बोल देता हूं। एक हाथ में तिरंगा, तिरंगा है ना, जरा दिखा दो। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस देश के प्रधानमंत्री को सिर्फ कपड़े दिखाई देते हैं, और कपड़े का मतलब सिर्फ हिजाब और टोपी दिखती है बेचारे को, ये भी कपड़ा है भाई, इसको भी देख लो। देश के प्रधानमंत्री को तिरंगा दिखाई नहीं देता, इससे बड़े अफसोस की बात कोई हो नहीं सकती। हमारे इस आंदोलन में एक हाथ में तिरंगा, दूसरे में संविधान। हाँ मां ये किया ना, ये देखो, ये है, ये इस आंदोलन की तस्वीर है। एक हाथ में तिरंगा, दूसरे में संविधान, मन में अहिंसा और जन गण मन का गान, ये करना है। फिरोज भाई कह रहे हैं सब आप मेरे साथ बोलिएगा, तो ये चारों बातें दोहरा देते हैं। एक हाथ में झंडा, एक हाथ में तिरंगा, दूसरे में संविधान, मन में अहिंसा, जन गण मन का गान, बस इतना करना है, क्योंकि हम इस देश को बचाने आए। ये किसी एक मजहब, किसी एक क्षेत्र, कुछ खास लोगों का सवाल नहीं है,
इसकी चपेट में हिंदुस्तान का हर गरीब आएगा, हिंदू आएगा, मुसलमान आएगा। नेपाल के अंदर जो चपेट में आएंगे वो मुसलमान नहीं, ज्यादातर हिंदू आएंगे इसकी चपेट में। जो घुमक्कड़ लोग हैं, दिन रात जिनका कोई घर नहीं होता, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वो लोग इसकी चपेट में आएंगे, चाहे किसी भी मजहब के हों। ये हिंदुस्तान को बचाने का आंदोलन है, हिंदुस्तान के संविधान को बचाने का आंदोलन है, आजादी के आंदोलन की आत्मा को बचाने का आंदोलन है। और पिछले एक महीने ने वो कर दिखाया है जो इस देश में बहुत सालों से नहीं हुआ। इस देश की जो साझी विरासत है उस पे धीरे धीरे धूल मिट्टी जमनी शुरू हो गई थी। किसी भी चीज के साथ हो जाती है, सफाई नहीं करते तो धूल मिट्टी जमनी शुरू हो जाती है। ये गंगा जमनी तहजीब इस देश की जो है, साझी विरासत, इस पे धूल मिट्टी जम रही थी। इस शाह और शहंशाह ने हमें मौका दिया धूल मिट्टी हटाने के लिए। थैंक यू शाह साहब, थैंक यू शहंशाह साहब, इनको धन्यवाद कहना चाहिए। मैं जब आया तो कुछ दोस्तों ने मुझे थैंक यू कहा, मैंने कहा मुझे थैंक यू न कहो, थैंक यू तो गैरों को कहा जाता है। जब हम कहते हैं कि काम तो मेरा है लेकिन तू भी आ गई, चलो तेरे को थैंक यू, ये काम आपका नहीं है। मैं आपकी खातिर नहीं आया हूं, मैं अपने बच्चों की खातिर आया, ताकि आज से 15 साल बाद, 20 साल बाद कभी नाती पोते होंगे, अभी तो नहीं है, होंगे, और वो अगर पूछेंगे कि बाबा, दादा, नाना, जब 2020 में इस देश की जड़ काटने की कोशिश हो रही थी तो तुम कहां थे? जैसे हम पूछते हैं अपने पिताजी से कि 1977 में जब इंदिरा गांधी इस देश की जड़ काट रही थी, इमरजेंसी लागू कर रही थी, तो आपने क्या किया? जैसा हम पूछते हैं अपने दादा से कि देश की आजादी की लड़ाई में आप क्या कर रहे थे? मैं आज यहां इसलिए हूं कि जब मेरा पोता, मेरा नाती, मेरी नतीन मुझसे सवाल पूछे, मुझे पांव की तरफ ना देखना पड़े, मैं उसकी आंख में आंख डाल के बोल सकूं, बेटा तेरा दादा, तेरा नाना वहां खड़ा था, पटना में था, बोल रहा था, लड़ रहा था, हम लड़ेंगे और जीतेंगे, ये बात बोल सकूं। इसलिए मैं यहां और इसलिए हम सब यहां पे, क्योंकि 26 जनवरी ये बताती है कि इस देश में किसी राजा का राज नहीं है, जनता का राज है, गणतंत्र, इसीलिए हम बोलते हैं। उस 26 जनवरी के दिन अगर हो सके तो आप सब लोग एक ब्लड बैंक आयोजित करना, ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित करना। जो यहां जरूरतमंद लोग हैं उनको खून देना समाज की सेवा भी है और एक इशारा भी है। इशारा उनको है जिन लोगों ने इस देश की आजादी के लिए एक बूंद खून कभी नहीं दिया, लेकिन आज राष्ट्रवाद के ठेकेदार बनके बैठे हुए हैं। उनको बताना है कि हम तो खून पहले दिया है, दोबारा खून देने को तैयार हैं। एक ब्लड कैंप का आयोजित कर देना। 30 जनवरी को जो महात्मा गांधी की शहादत का दिन है, उस दिन एक बड़ी ह्यूमन चेन बनाए, मतलब हाथ पकड़ के हिंदू मुसलमान सब लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के लंबी माला बनाएंगे और 5:17 30 जनवरी को वो वक्त है जब महात्मा गांधी को गोली मारी गई थी। वो याद करने का दिन है क्योंकि आज इस देश में गांधी और गॉडसे की लड़ाई है और कोई लड़ाई नहीं है। हम गांधी के साथ खड़े हैं और जो गॉडसे वाले हैं वो बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे हुए हैं। इसलिए उसे याद करने के लिए 5:17 पे पूरे देश में लोग जनगण मन गाएंगे और कुछ याद करेंगे महात्मा गांधी को 5:17 पे। ये मेरा प्रस्ताव है आप सबके सामने। आखिर में एक फिल्मी डायलॉग बोल के अपनी बात खत्म करता हूं, क्योंकि फिल्मी डायलॉग के बिना कोई बात पूरी सोचा भी नहीं जा सकता कि कामयाबी मिलेगी या नहीं। हमें तो लड़ना है और जीतेंगे। क्यों जीतेंगे? ये डायलॉग दीवार फिल्म का है। मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, तेरे पास क्या है? याद होगा ना आपको उसका जवाब? वो कहता है मेरे पास मां है।
बहनों और भाइयों, आज यही लड़ाई इस देश में है। जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं उनके पास कुर्सी है, बड़ी सी बड़ी कुर्सी इस देश की उनके पास है। उनके हाथ में पुलिस का डंडा है, उनकी एक जेब में बे इंतहा पैसा है और दूसरी जेब में मीडिया के मालिक है। सब कुछ उनके पास है, हमारे पास क्या है? हमारे पास 5000 साल की ये धरती माँ है, ये गंगा जमुनी तहजीब है जिसने कई शाह और शहंशाह देखे, कई आए और निकल गए। ये धरती हमारे साथ है, हमारे साथ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान है। लड़ेंगे और जीतेंगे, तो मिलके मेरे साथ नारा लगाइएगा, लड़ेंगे जीतेंगे और दूसरा वो तोड़ेंगे। वो कौन है? ये जो ऊपर बैठे हुए शाह शहंशाह सब, हम तो शुक्रगुजार हैं। तो वो तोड़ेंगे, हम क्या करेंगे? हम जोड़ेंगे। तो मिलके बोलिए, वो तोड़ेंगे हम जोड़ेंगे। जोड़ने की आवाज इतनी दूर से आए कि पता लगे कि हम जोड़ेंगे, इस देश को हम बढ़ने नहीं देंगे। अंदर से मन से आवाज निकले तो पता लगेगा। वो तोड़ेंगे हम जोड़ेंगे, वो तोड़ेंगे हम जोड़ेंगे।